26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था और उस दिन भारत एक रिपब्लिक देश बन गया। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में आपको सवाल आ रहा होगा कि भारत का रिपब्लिक कंट्री बनने का मतलब क्या है, ये संविधान क्या होता है, हमारे भारत को संविधान की जरूरत क्यों थी, और सबसे जरूरी सवाल, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को लिखा जा चुका था तो फिर क्यों 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाया जाता है। पहले हम जानते हैं कि संविधान क्या होता है। आसान भाषा में कहूं तो संविधान एक नियम और कानून की किताब की तरह है जो डिफाइंड एरियाज और उसमें रहने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। तो अभी आपको सवाल आ रहा होगा कि पहले के जमाने में तो राजा महाराजाओं की साम्राज्य हुआ करता था, राजा जो बोलते थे वही उस देश का कानून हुआ करता था, तो फिर आज के मॉडर्न टाइम में संविधान का जन्म कैसे हुआ। तो सुनो, 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन और उस देश के लोगों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस एग्रीमेंट में किंग ने अपने लोगों को कुछ राइट्स दिए। उस एग्रीमेंट में पहली बार ये कहा गया कि राजा भी देश के कानून से ऊपर नहीं है, और इसके बाद 1354, 1628 और 1689 में मैग्ना कार्टा और भी ज्यादा एक्टिव हुआ, जिसके चलते अब इंग्लैंड में किसी को भी बिना कॉन्स्टिट्यूशन रीजन के ना तो गिरफ्तार किया जा सकता था और ना ही सजा दिया जा सकता था, जिसका मतलब यह था कि अब कोई भी अपना मनमानी नहीं कर सकता, सब कानून के हिसाब से अपना काम करेंगे। फिर 1689 में इंग्लैंड अपने देश के कानून में बिल ऑफ राइट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। बिल ऑफ राइट्स वो बेसिक राइट्स थे जो देश के हर इंसान, यानी गरीब हो या अमीर, गोरा हो या काला, छोटा हो या बड़ा, राजा हो या प्रजा, हर किसी को समान रूप से दिया जाएगा। मतलब इंग्लैंड के कानून में हर किसी को एक बराबरी की दर्जा दिया गया और हर प्रकार के भेदभाव को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ माना गया। हालांकि इंग्लैंड ने कॉन्स्टिट्यूशन की इवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दिया, पर दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में लिखा गया। उसके बाद धीरे धीरे बाकी देश भी अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना शुरू कर दिया। खैर, ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू हुआ था। अब जानते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया और वो कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश राज से पहले इंडिया में 100 से ज्यादा छोटे छोटे देश थे, उनके अपने राजा और उनके अपने अपने कानून थे। 1609 में ब्रिटिशर्स व्यापारी बनकर आए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया पहले से अपने देश को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न कर रही थी, इसीलिए अंग्रेजों ने भी इंडिया में कई सारे ऐसे कानून बनाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते जुलते थे। जैसे कि 1773 में पहला एक्ट आया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहा जाता है। उसके बाद 1784, 1793, 1833 और 1853 जैसे कई सारे एक्ट्स लागू किए गए, और इन सब में सबसे खास था 1857 के प्रोटेस्ट के बाद आया 1858 का एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया और वो भी कानूनी रूप से। फिर बदलते वक्त और भारत की बगावत मिजाज को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने अपने कानून में कई सारे बदलाव लाए, लेकिन उन बदलाव में मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट्स जैसे अधिकार नहीं दिए गए। अब वक्त आ चुका था 1930s का, जब नो कॉपरेशन मूवमेंट जोरों शोरों से चल रहा था, जिसे देखकर ब्रिटिशर्स अब ये समझ चुके थे कि बिना एक मजबूत ढांचे की भारत जैसे बड़े और मौजूद देश को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद अब पहली बार संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसे कहा जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसी एक्ट ने बाद में आगे चलकर फ्यूचर में हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया 1935 में एमएन रॉय ने शुरू किया था, जो भारत में पहली बार कम्युनिस्ट मूवमेंट को शुरू किए थे। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने की मांग की थी, और उनका यह डिमांड 1940 की अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया गया था, पर 1942 से पहले इसे रियल में इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। वर्ल्ड वॉर टू में जब अंग्रेज कमजोर पड़ने लगे तब उन्हें भारतीयों की हेल्प की जरूरत पड़ा, और हमारे भारतीयों का ट्रस्ट जीतने के लिए उन्होंने सर रिचर्ड स्टॉपर क्रिप्स को भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है, और इसी क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। बहुत कोशिशों के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के थ्रू 1946 के नवंबर में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की नींव रखा गया।
इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट के साथ साथ एंग्लो इंडियन भी शामिल थे। ये असेंबली पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टी नॉमिनेटेड था, यानी कुछ मेंबर्स इलेक्शन के द्वारा चुने गए थे और कुछ का नाम राजाओं के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी जैसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के साथ साथ इंडिपेंडेंट्स भी इस असेंबली का हिस्सा थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस असेंबली के प्रेसिडेंट बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है तो सुनो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने यह प्रण लिया कि वो भारत को इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक बनाएंगे। भारत के सभी नागरिकों को न्याय के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बराबरी दिया जाएगा। सभी के पास तरक्की के बराबर मौके बिना किसी भेदभाव के होंगे। समाज और कानून के सामने अमीर गरीब, जात पात, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। भारत की सुरक्षा, मान सम्मान और अखंडता हमेशा ऊपर रहेगा और हमारे देश की संविधान हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पास होने के साथ साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की शुरुआत हो गया। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारे कमेटी बने और ये सभी कमेटी बहुत अच्छे से अपना अपना काम भी किया, लेकिन उन सब में सबसे इंपोर्टेंट काम किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने इकोनॉमिक्स और लॉ की पढ़ाई की थी। वो अनटचेबल कास्ट यानी जिसे आप अछूत जाति कहते हैं, वहां से वो बिलोंग करते थे। उनका समाज को लेकर समझ काफी संवेदनशील था और वो खुद भी काफी प्रेरक स्वभाव के थे। उनके कंट्रीब्यूशन के कारण हम उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट असेंबली के सामने रीड किया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। और खास इसी वजह से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के नाम से मानते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, यानी हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। संविधान की शुरुआत में एक प्रस्ताव पत्र रखा गया जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है, जिसे आप यहाँ पोज करके पढ़ सकते हैं। अभी आपको यह सवाल आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 में ही इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, तो फिर हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो सुनो, जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तब सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सभा बिठाई थी। इस सभा में नेहरू जी डोमिनियन स्टेटस का विरोध कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्रिटिश सरकार ये कह रहे थे इंडियंस को कि आप अपने देश में अपना सरकार चला सकते हैं, लेकिन आपका देश का जो लीडर रहेगा वो ब्रिटिश सरकार ही रहेगा। और इसी चीज को नेहरू जी विरोध कर रहे थे और उस सभा में वो पूर्ण स्वराज की मांग की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ना इसका ना उसका, ये हमारा देश है तो यहाँ सिर्फ हमारा ही राज होगा। उसके बाद अगले ही महीने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। फिर पंडित नेहरू ने लाहौर में तिरंगा को लहराया था और ये तारीख था 26 जनवरी। उस दिन के बाद से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को इंडिया में लोग इंडिपेंडेंस डे मानते थे। पर सन 1947 में इंडिया को एक्चुअल इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त को, लेकिन फिर भी 26 जनवरी सभी देशवासियों के लिए बहुत खास था। और खास इसी वजह से जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। तो दोस्तों, आज ही वो तारीख है और इसीलिए आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। वीडियो से कुछ सीखे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। सो अगले वीडियो मिलते हैं। जय जगन्नाथ।